चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। बुधवार को उन्होंने इसके औपचारिक रूप से खोले जाने की घोषणा की है। दरअसल चीन के कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने पर ये एयरपोर्ट शुरू किया गया। इसका नाम डॉक्सिंग एयरपोर्ट रखा गया है। ये एयरपोर्ट बीजिंग में डॉक्सिंग जिले और लांगफांग की सीमा पर मौजूद है। इस एयरपोर्ट की खास बात ये है कि ये 173 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है। बताया जा रहा है कि ये फुटबॉल के 100 मैदान के बराबर है। एयरपोर्ट दिखने में किसी स्टार फिश की तरह दिखता है। एयरपोर्ट के अभी फिलहाल 4 रनवे बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10 करोड़ यात्री यहाँ से यात्रा करेंगे और लगभग 40 लाख टन कार्गो और अन्य सामान की ढुलाई होगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट को पूरी क्षमता के साथ काम करने में 2040 तक का समय लग जाएगा। दिलचस्प बात तो ये है कि एयरपोर्ट के नीचे एक ट्रेन स्टेशन और मेट्रो लाइन भी है। ये यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगी क्योंकि इससे यात्री बहुत जल्द ही शहर के अंदर पहुंच पाएंगे। इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये 77,600 हेक्टेयर जमीन पर बना है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022-23 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ग्रेटर नोएडा के प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से 2 गुना बनाया जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।